दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर पनीर रेसिपी। इसके लिए मैंने सब सारा सामग्री एक रख लिए है। सबसे पहले ये अदरक और लहसुन के पत्ते का पेस्ट बना लिए है हमने। उसके बाद प्याज को चॉप कर लिए, उसके बाद टमाटर चॉप कर लिए हैं, ये धनिया पत्ता भी चॉप कर लिए है, और मिर्चा ले लिए है, उसके बाद जीरा, उसके बाद पत्रक। और मसाले में हमने मिर्चा का पाउडर ले लिया है, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी, उसके बाद नमक, उसके बाद गरम मसाला। और अब पनीर मैंने पहले से ही फ्राई कर लिए है। उसके बाद आलू को उबाल कर रख लिए है, उसके बाद मटर हो गया। अब चलिए आलू मटर पनीर बनाते हैं। मैंने पहले से ही पनीर को फ्राई करे हुए तेल रखे है, उसी में आप बना लेते हैं। देखिए मिर्चा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, जब तक प्याज फ्राई हो जाते हैं अच्छे से ब्राउन कलर आ जाएंगे तब तक फ्राई कर लेंगे। अब देखिए प्याज ब्राउन हो गया है ना। अब मटर डाल देते हैं, मटर फ्राई कर लेंगे, मटर डाल देंगे। मटर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट मटर को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद अब आलू डाल देंगे। थोड़ा देर आलू को फ्राई करेंगे मटर के साथ। आलू मटर अब फ्राई हो चुका है, देखिए आप लोग देख भी सकते हैं। अब हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन के पत्ते का पेस्ट मैंने बनाया है। आप लोग चाहेंगे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लहसुन या लहसुन के पत्ते। थोड़ा चला लेंगे, उसके बाद टमाटर रख देंगे, मसाला डालेंगे। चलिए हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, ये बाकी रह गया गरम मसाला, वो हम बाद में डालेंगे जब सब्जी पक जाए। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब। अगर कढ़ाई में फ्राई करते समय चिपकने लगे तो हम थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा में, और गैस को बिल्कुल मीडियम पर रखेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें पनीर मिला देंगे। पनीर मिला के थोड़ा फ्राई कर देंगे। आलू मटर पनीर को ग्रेवी बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, आपको जितना चाहिए ग्रेवी उसी तरह से।
देखिए ग्रेवी बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला मिला देंगे। दो बार फ्राई कर दीजिए। इसके बाद हम धनिया का पत्ते थोड़ा सा डाल देंगे। आप देख सकते हैं, देखिए बन गया है आलू मटर पनीर। एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए घर पर और बताइए टेस्ट कैसा बना है। देखिए दोस्तों, हमारा ये रेसिपी अब रेडी हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए पूरा रेडी है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।